क्या लो दोस्तों, फिर से स्वागत है इंटरेस्टिंग टीवी पे। एक और नई वीडियो लेकर आ गए। अगर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाने मत भूलना। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, पूरी एंड तक देखना, क्योंकि टर्किश फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की बात करने वाले हैं हम। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ना, ये टर्किश फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट कान की पहली फ्लाइट की फुटेज है। इस एयरक्राफ्ट की जो पहली उड़ान हुई, इंडियन डिफेंस के फैंस में भाई साहब वो बहुत ही चौंक चुके हैं और काफी क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं अमूमन कि MCA कहाँ है भारत का। एक मिनट के लिए दोस्तों, MCA को साइड में रख के टर्की को एफर्ट को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अब टर्की के पास में हजार तरीके की परेशानी हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, बॉर्डर के ऊपर हो, या फिर इन्फ्लेशन हो। इस समय टर्की में 60% से ज्यादा का इन्फ्लेशन चल रहा है, उसके बावजूद उन्होंने डिफेंस बजट 150% बढ़ा दिया है। वैसे अभी ये फाइटर जेट काफी इनिशियल स्टेजेस में और पहली उड़ान का मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार है। टर्की की इंटरनल टाइमलाइन के हिसाब से 2029 तक प्रोडक्शन तक चला जाएगा और वहां से जो एयरक्राफ्ट निकल कर आएगा वो ब्लॉक 1 कहलाएगा। अभी के लिए इस एयरक्राफ्ट को ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर रेडार वार्निंग रिसीवर्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम जैसे सिस्टम दिखाई देंगे। इनफैक्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम्स पे आपको दिखाई देगा कि क्या इसमें रेडार है भी या नहीं। हालांकि एयरक्राफ्ट के ऊपर एयरफ्रेम दिखाई देते हैं जहां पे इवेंचुअली ये सिस्टम लगाए जाएंगे, लेकिन नॉर्मली जब आपकी कोशिश होती है कि एयरक्राफ्ट को जल्दी बनाया जाए तो पहली फ्लाइट के दौरान आपको इन सभी चीजों की आवश्यकता नहीं होती और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारे सेंसर्स और चीजें आप प्रोटोटाइप के ऊपर ऐड किए जाते हैं ताकि फाइनल प्रोडक्ट निकले। लेकिन 3 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे जिनके ऊपर टेस्टिंग की जाएगी और फिर साल 2029 के बाद में 10 ऐसे फाइटर जेट्स बनेंगे जो ब्लॉक 1 कहलाएंगे। वैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंजन और इंटेक को लेकर हम बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि अभी दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इंटेक सीधे सीधे ही है और इंजन के ब्लेड सामने से दिख रहे हैं। दोस्तों ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिजाइन रिफाइन की जाएंगे और फाइनली जो ब्लॉक 1 निकल के आएगा उसको लेकर हम लोग एनालाइज करेंगे कि कितना स्टेल्दी एयरक्राफ्ट है। रही बात इंजन की, तो फिलहाल एयरक्राफ्ट F-16 भी यूज होने वाले F-110 इंजन का प्रयोग करता है। इस समय टर्की में लोकली इन इंजन को असेंबली किया जाता है। वैसे टर्की का प्लान है कि वो खुद के इंजन बनाएंगे जो इवेंचुअली एयरक्राफ्ट के ऊपर लगाए जाएंगे, लेकिन दोस्तों अभी तक हमें पता नहीं है, लेकिन रोल्स रॉयस के साथ मिलकर बनाया जाएगा। इसके साथ में इस एयरक्राफ्ट की डिजाइन के लिए कंसल्टेंसी ली गई थी BAE सिस्टम से, यानी ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में यूरोप का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है और नेटो मेंबरशिप का यही एडवांटेज है। वे साउथ कोरिया की एयरक्राफ्ट को भी हम लोग देख चुके हैं कि F-21 के केस में लॉकेट मार्टिन का वहाँ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। ये चीज दिखाता है कि आपके साथ में अगर पार्टनर्स खड़े हुए हैं तो आपके प्रोजेक्ट्स काफी तेजी से मूव कर सकते हैं। लेकिन आप कितनी भी कोशिश कर ले, दोनों एयरक्राफ्ट के साथ में भारत की MCA प्रोग्राम की बातचीत होगी और एक कंपैरिजन नेचुरल ही होगा। अब भारत के केस में डिजाइन पूरी तरीके से इंडिजिनियस हो, ऐसे में प्रोजेक्ट के साथ में कुछ रिस्क होते हैं और इसलिए कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगी। बावजूद इसके भारत सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है इस प्रोजेक्ट को एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाए, जहाँ पे पूरे प्रोसेस को एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी लीड करे। पुराने एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया सर ऑन रिकॉर्ड ये चीज कह चुके हैं कि इस कोशिश के दौरान लगभग 2.5 साल की डिले हो चुकी है और ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि इस स्पेशल पर्पस व्हीकल यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। वैसे यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि MCA लगभग 10 साल से चल रहा है और यहाँ पे किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं हो रहा है। दोस्तों हम ये हमेशा कहते हैं, किसी भी डिफेंस प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत करनी है तो थोड़ा हिस्ट्री में जाकर उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, रिसर्च कर लीजिए। 2018 तक भारत FGF के पीछे भाग रहा था और फंड्स वहीं जा रहा था। DRDO वाले बेसिकली एक मॉडल लेकर घूम रहे थे जिसको वो MCA कह रहे थे। इस मॉडल को लेकर उनकी तरफ से कुछ इंटरनल स्टडीज भी थी, कुछ सिमुलेशन भी थे और तेजस प्रोग्राम का एक्सपीरियंस था। साल 19-20 में भारत सरकार की तरफ से MCA प्रोग्राम को ट्रैक्शन दिया गया था, उसके बाद से कोशिश चल रही है SPV बनाने की। लेकिन इशू ये है दोस्तों कि डिजाइन DRDO का है और अगर इस डिजाइन के साथ में आगे चलकर कुछ परेशानियां आती हैं तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बनना चाहती है। वैसे इस प्रोजेक्ट को फंड किया जाएगा भारत सरकार की तरफ से, लेकिन इस तरीके के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो मैन पावर लगता है उसको ऑन बोर्ड करने के लिए आपको काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके की अनसर्टेनिटी भारतीय सेनाओं के ऑर्डर में होती है उसको देखते हुए कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी ये रिस्क नहीं लेना चाहेगी। इस प्रोजेक्ट को लेकर एक लूप बना हुआ है जिसके चलते ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा। भारत सरकार चाहती है इस प्रोजेक्ट को कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी लीड करे और जब तक स्पेशल पर्पस व्हीकल नहीं बन जाएगा तब तक CCI की तरफ से इसको अप्रूवल नहीं मिलेगा। इन कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी यहाँ पे सामने नहीं आ रही, इसी वजह से SPV नहीं बन पा रहा है।
इस डेडलॉक को तोड़ने के दो तरीके हैं। तो भारत सरकार डिसाइड कर ले कि एसपीवी की जरूरत ही नहीं है, हम लोग तेजस वाले मॉडल के तहत ही फाइटर जेट को बना लेंगे, या फिर सारा रिस्क सरकारी कंपनियों का होगा और एक बार जब ये यूनिट प्रोडक्शन में जाएगी तो उसके कॉम्पोनेंट इन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को दिए जा सकते हैं, जैसे कि तेजस के केस में किया जाता है। और दूसरा, यहाँ पर MRFA को एग्जीक्यूट किया जाए और उसके साथ आर्म का प्रोजेक्ट को लिंक कर दें, यहाँ पे किसी फॉरेन ओरिएंटेड डिजाइन के ऊपर AMCA बनाया जाए। दोस्तों, ये डेडलॉक टूटता हुआ नहीं दिख रहा है दोस्तों, और मोस्ट लाइकली देखते हैं क्या होने वाला है आगे। हम तो हमारी शुभकामनाएं हमेशा, हम तो ये चाहेंगे कि वर्ल्ड क्लास सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट हमारे देश में बने और हम लोगों को एक्सपोर्ट भी करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत मलिक जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपकी क्या राय है इस बारे में। और दोस्तों, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन जरूर दबा दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, और ये दो वीडियो नहीं देखे तो इन्हें भी देख लें। धन्यवाद दोस्तों।